तो जियो के तीन नए धमाकेदार प्लान्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो बहुत जल्दी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। गूगल पिक्सल, गूगल का ये फोन, जैसे कि गूगल ने दावा किया था काफी सिक्योर है, फाइनली ये फोन जो वो हैक हो चुका है और इसकी सारी डिटेल्स मैं आप आज लोगों को बता देता हूँ। 500-1000 रुपीस नोट के बैन होने के बाद भी और क्या नुकसान है हम ऑनलाइन यूजर्स को, आज मैं आप लोगों को ये डिटेल भी जो वो देने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद अ डेली टेक न्यूज। टेक न्यूज शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको फेसबुक के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में अगर जानना है तो हमारे एक नए चैनल, जैसे कि आप लोगों को पता है पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट सोशल पे, वहाँ पे एक वीडियो जो वो अपलोड हुआ है, आप वहाँ पे जल्दी से जाइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है फेसबुक से रिलेटेड, आप लोगों को शायद से नहीं पता थी। तो अगर आपको जानना है आपको फेसबुक पे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में और कुछ अच्छी चीज़ें जानना है तो जल्दी से जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने उस चैनल का, उस वीडियो का लिंक दिया हूँ, आप उस वीडियो पे क्लिक करिए और देख लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी मैं आपसे कहता हूँ आप सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इसी तरीके से ब्लॉग से रिलेटेड और सोशल नेटवर्किंग साइट से और कैसे ऑनलाइन पैसे कमाना है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स हम जो वो देते रहेंगे। तो पहली खबर मैं आप लोगों को एक अच्छी सी गुड न्यूज दे देता हूँ और वो ये है कि हमें जैसे कि पता है जियो 4G आया और 3 महीने से जियो 4G ने धमाल किया था। काफी सारे लोगों को हर चीज जो वो फ्री में यूज करने मिल रही थी, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को अच्छा चल रहा है, जो कुछ भी था, लेकिन हमें सब कुछ जो वो फ्री में मिल रहा था। अब यहाँ पे जियो के 3 अपकमिंग प्लान्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक इंडियन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताते हो कि जियो का एक FTTH वाला एक प्लान आ रहा है। उसका मतलब ये है कि फाइबर टू द होम। जियो अपना एक DTH ब्रॉडबैंड सर्विस निकाल रहा है, जैसे कि दूसरे ब्रॉडबैंड हमें देखने को मिलते हैं टाटा एयरटेल वगैरह के। यहाँ पे आपको 1 GBPS की घर के अंदर जो वो ब्रॉडबैंड की स्पीड मिलेंगी और यहाँ पे ये जियो ऐसा पहला सर्विस होगा इंडिया में जो हमें इतनी हाई स्पीड दे रहा है। साथ में इसके अंदर मैं कहूँगा आप लोगों को ये, मतलब शायद से हो सकता है 3 महीने का फ्री ऑफर भी जियो देगा, ऐसा रूमर आ रही थी। फिलहाल के लिए जियो इसके लिए कितने हज़ार जो केबल्स है वो इंडिया के अंदर यानी कि बना रहा है, उस केबल के जरिए ये ब्रॉडबैंड सर्विस पॉसिबल है। मुंबई और दिल्ली के अंदर फिलहाल काफ़ी सारे लोगों के पास ये चीज़ तो आ गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली जियो ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन जनवरी से ये चीज़ें जो हम सब लोगों को देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ की बात करें तो जियो अपना एक स्मार्ट सेटअप बॉक्स निकाल रहा है, उसका नाम जो है वो जियो TV के। उसके ऊपर आपको एक सेटअप बॉक्स मिलता है, जैसे कि हमें लोकल केबल प्रोवाइड करता है, जियो ये भी निकाल रहा है। उसके अंदर आपको HD TV देखने को मिलेगा, HD प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा, लाइव TV भी आप देख सकते हैं। साथ में आप जो भी TV देखते हैं वो ऑलरेडी सेव्ड होगा, आपको उसके लिए कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में आप उसको बैठ के कभी भी देख सकते हैं। हालांकि ये सारे फीचर्स पुराने हमें मिलते थे, लेकिन जियो यहाँ पे हमें 350 से ज़्यादा चैनल दे रहा है और मोर देन डजन्स ऑफ चैनल जो वो आपको HD में दे रहा है। तो सेटअप बॉक्स के रूप में भी जियो हमारे घर के अंदर बहुत ही जल्दी जो वो आने वाला है। और फाइनल की बात करें यहाँ पे तो जियो का एक कार वाईफाई सर्विस भी ला रहा है, यानी कि अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो वहां पे जियो अपनी एक ऐसी सर्विस दे रहा है, कुछ ऐसा राउटर या चिप देगा जहां पे आपके अपनी कार के अंदर भी आप वाईफाई जो वो यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो आसानी से आप गाड़ी जब चला रहे हो तो आप अपने गाड़ी के अंदर उसका वाईफाई का लाभ उठा सकते हैं। साथ में अगर आपकी कार चोरी भी हो जाती है तो वो उस डिवाइस के जरिए आपकी कार भी जो वो ट्रैक हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये 3 अपकमिंग प्लान्स जियो के बहुत जल्दी आने वाले हैं और शायद से जब ये प्लान्स आएंगे तो हो सकता है कुछ टेस्ट करने हमें जियो दे दे, जैसे कि 4G दिया था। अगर टेस्ट करने देता तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं भी देता है तो हमें खुश होना चाहिए कि कुछ ऐसी अच्छी नई इनोवेटिव थिंग जो है वो जियो लेके आ रहा है। फाइनली हमारी इंडियन कंपनी है तो हमें ऐसी चीज़ों को जो वो सपोर्ट करना चाहिए। तो डील की बात करते हैं और पहले डील की बात करें तो माइक्रोमैक्स का 32 इंच का ग्रैंड आप देखेंगे यहाँ पे। आप अच्छी खासी एक TV की, मैं कहूँगा प्रीमियम क्वालिटी का TV लग रहा है। HD LED TV आपको मिल रहा है, 3 साल की वारंटी के साथ में है, आपको सिर्फ 13,300 रुपीज़ में मिल सकता है। अगर आपको एक TV खरीदना है 32 इंच का तो ये वाला आपके लिए अफोर्डेबल है और माइक्रोमैक्स कंपनी इस मामले में काफ़ी एक्सेप्टेबल है, यानी कि ट्रस्टेबल है, तो आप जो वो TV खरीद सकते हैं। और फाइनल डील की बात करो तो पैक ऑफ 2 अर्बन फैशन मल्टी स्लिम फिट फ्लैट ट्राउजर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि 2 आपको फ्लैट ट्राउजर मिल रही है स्लिम फिट की, जो आपको सिर्फ 460 रुपीज में मिलता है। शिपिंग चार्जेस भी लगेगा तो 500 रुपीज के आसपास आपको मिलता है, तो ये आपको कोई नहीं देगा 2 ट्राउजर। तो अगर आपको ये दोनों डील चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप जाइए और डील को जो वो यूज़ कर लीजिए। तो जैसे कि हमें पता है कि 500 और 1000 रुपए के नोट बैंड हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं और उसकी जगह पे नए 500 और 2000 रुपए के नोट आए हैं, तो काफ़ी तहलका मच चुका है और इतने दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। हालांकि यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, ऐसी खबरें आ रही है। अगर जो लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं इसके अंदर क्या इंक्लूड है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके अंदर सॉफ्टवेयर अगर आप परचेस करते हैं ऑनलाइन, ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक्स, ये सब सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, अमेजोन, एप्पल, आईट्यून्स या किसी भी जगह से जहाँ पे आप ऑनलाइन परचेस करते हो,
तो यहाँ पे आपको 15% मोर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है। तो मुझे लगता है कि एक और बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, या कि कोई हम सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं या परचेस कर लेते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो हम ऑनलाइन खरीदते हैं, यहाँ पे अब उसके ऊपर हमें 15% मोर टैक्स देना पड़ेगा। आपके जो बिल आएगा ये उसके अंदर जो वो ऐड होके आ जाएगा। तो ये मुझे पता नहीं किस हद तक ये चलने वाला है कि काफ़ी सारे लोग इससे नाखुश हो गए, ऑब्वियसली मैं भी इससे नाखुश होगा। अब ये जब आता है December 1st से ये लागू होने वाला है, अब जब ये आता है तो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी उठती है और कहाँ तक ये मामला जो वो पहुँचता है। तो गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल एक्सल, ये दोनों फ़ोन गूगल की तरफ से गूगल ने अपना फर्स्ट फ़ोन लॉन्च किया था, और गूगल ने ये भी कहा था कि मोस्ट सिक्योर फ़ोन है कंपेयर टू सिक्योरिटी के। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बुरी खबर के बारे में बता देता हूँ कि गूगल पिक्सल का फ़ोन भी जो वो हैक हो चुका है। यानी कि एक इवेंट था PWN Fest 2016 चाइना के अंदर, यहाँ पे एक इवेंट था, उस कंपटीशन में वाइट हैक हैकर्स के नाम से ये लोग थे, Qoo360 की तरफ से आए थे, इनके सामने गूगल पिक्सल के फ़ोन्स पड़े थे, इनको हैक करना था। इन्होंने 60 सेकंड में गूगल पिक्सल का फ़ोन हैक कर दिया, साथ में इसके अंदर रिमोटली अपनी तरफ से कुछ उसको चला रहे थे, उसके अंदर वायरस भी डाल दिए, और उसके बाद इनको $1,20,000 का जो वो प्राइज मिला। तो मैं यही कहूँगा, आप लोगों को अब भी बता देता हूँ, कंपेयर टू आईफोन के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म इतना सिक्योर नहीं है, चाहे गूगल कितना भी दावा कर ले, लेकिन फिर भी गूगल ने एक रिपोर्ट पहले पढ़ा, मैंने पढ़ा था कि गूगल ने कहा था कि गूगल प्लेटफॉर्म यानी कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म फ्यूचर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म होगा। इस पे गूगल अब भी काम कर रही है, और हम सबको पता है एंड्रॉयड के फोन्स में हमें वायरस तो देखने को मिलते हैं कंपेयर टू iOS के। हो सकता है iOS कहीं ना कहीं हैक्ड हुआ होगा, लेकिन जितना एंड्रॉयड होता है उतना iOS नहीं होता है। यहाँ पे हमें गूगल का फोन हैक्ड हुआ था, उससे बड़ा एक हमें एग्जांपल जो वो मिल गया है। माइक्रोमैक्स की तरफ से कुछ खबर आ रही है, और माइक्रोमैक्स की तरफ से ये जो खबर आ रही है थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग खबर है, अगर आप लोगों को बता दूं तो, क्योंकि माइक्रोमैक्स का जो रेवेन्यू है यानी कि जो सेल है वो 6% गिर चुका है 2015 और 2016 में। हालांकि माइक्रोमैक्स नंबर 2 पोजीशन में है इंडिया के अंदर, उसको ओवरटेक किया है लेनोवो ने, लेनोवो जो नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया में। तो यहां पे देखा जाए तो माइक्रोमैक्स ने बोला है कि 10,450 करोड़ का उनका साल का ये जो उनका रिव्यू टर्नओवर हम कहते हैं जो भी वो होता था, लेकिन अब 2015-2016 में कुछ 9,825 करोड़ हुआ है, मतलब उनको रेवेन्यू में भी जो वो नुकसान हुआ है होगा ही, क्योंकि आप फोन्स लाते तो है, हम मानते हैं काफी सारे फोन्स लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फोन्स नहीं लाते जैसे कि चाइना के फोन्स होते हैं। मैं इन अदरवर्ड यही कहूंगा, क्योंकि चाइना के फोन जब भी आते तो हम फटाफट फटाफट भागते हैं और खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको पता है वो फीचर दे रहा है, इसीलिए उनके फोन ज्यादा सोल्ड होते हैं। माइक्रोमैक्स के क्यों नहीं होते? कभी आपने सोचा है कि आप फटाफट फटाफट भाग रहे हैं, अरे माइक्रोमैक्स का फोन है और खरीद लिए, ऑनलाइन रजिस्टर किया, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आप कुछ यहाँ पे बैठ के सोचेंगे माइक्रोमैक्स और कुछ काम करेंगे, तो शायद से हम भी फटाफट फटाफट भागेंगे और आपके फोन को क्लिक करेंगे और जो वो खरीद लेंगे, आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। एक और अच्छी खबर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छी खबर हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, न्यूज़ है तो क्या करें, सुनना पड़ता है। यहाँ पे अलीबाबा वेबसाइट, आपको पता होगा चाइनीज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि गियर बेस्ट है, बैंगूड है, उसमें से एक अलीबाबा भी है। अलीबाबा ने यहाँ पे एक सिंगल सेल डे निकाला था, जहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में ये वेबसाइट ने $17.6 बिलियन का फायदा किया, यानी कि उनको प्रॉफिट हुआ, नफा हुआ। अब सोच लो 17.6 बिलियन डॉलर ये वेबसाइट इतना कमा रही है, तो सोचो ये टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ये कंपनी जो वो कितना कमाती होगी। प्रीवियसली जैसे आपको मैंने बताया माइक्रोमैक्स को 10,000 करोड़ का फायदा होता है, तो सोच लो हम जैसे लोग इनके फोन्स खरीदते हैं, हम जैसे लोग इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और आज यहाँ पे इतने ऊपर हो गए, तो यही लोग कमा रहे हैं, हम क्या करें, हम तो खरीद रहे हैं। फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज में आप लोगों को बता रहे थे कि एक वक्त था, आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि याहू मैसेंजर हम यूज करते थे, काफी पॉपुलर चीज थी वो, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा फोन नहीं, तो नोकिया के फोन पे सब नहीं चलता था, और हम जाते थे इंटरनेट पे याहू मैसेंजर यूज करते थे, और एक फीचर होता था रूम्स, जहां पे हम जाते थे और बोल घोपचे घपाचे करते थे वहां पे। तो वो रूम फीचर क्या था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग वहां पे एक ही टाइम पे बात करते थे, छोटा सा विंडो होता था, आप अपने टेक्स्ट भेजते थे, दूसरे लोग वहां पे टेक्स्ट करते थे। अब ये चीज रिटर्न आ रही है, और ये रिटर्न याहू में नहीं आ रही है, बल्कि रिटर्न हो रहा है फेसबुक में। जी हाँ, फेसबुक ने ये नया फीचर जो वो टेस्ट करना शुरू कर दिया है, और ये फीचर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसका जो लाभ उठाएगी वो एंड्रॉइड यूजर्स होने वाले हैं, एंड्रॉइड यूजर्स यानी कि मोबाइल के अंदर मैसेंजर में हमें ऐसे फीचर दे देगा अलग से एक रूम वाला, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग वहाँ पे उस रूम में जा सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और आप जितना हद तक गिर सकते हैं आप गिरिए,
क्योंकि मैं जानता हूँ कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो ये फीचर बहुत जल्दी आने वाली है। फिलहाल के लिए अभी इंडिया के इसके अंदर बताया नहीं कि कब आएगा, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो कभी भी इंडिया में काफी सारी चीजें जो वो आ ही जाती है। आज की टेक्न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक्न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है जरूर से लाइक करिए, और नीचे इधर ऐसा एरो जा रहा है आप देख रहे हैं, हाँ ये एरो पे जाके यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, और साइड में ये दिख रहा है थोड़ा मेहनत करके मैंने किया हूँ, मेरे एक दोस्त है अभिजीत बोहरा ने मुझे ये बना के दिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे जाके वहाँ सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।